देखें जी वेरिया आई कांटेक्ट का बॉडी लैंग्वेज में बहुत मेजर रोल है एंड आई बिलीव के अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है जो ऑफिसर आपसे क्वेश्चन कर रहा है आप उसकी तरफ देखें आप सबको देखते हुए आप क्वेश्चन uh, को एड्रेस करें राइट hmm. right? अगर आप प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते आप नीचे देख रहे हैं आप ऊपर देख रहे हैं आप डार्टिंग कर रहे हैं यू आर वाचिंग हियर एंड देयर तो इट मींस के यू आर फीलिंग शाये यू आर हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस राइट और आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये भी नहीं है कि आपने घूरना है आपने स्ट्रेरिंग करनी है इट शोज के यू आर थ्रेटिंग टू अदर्स राइट आप जब किसी को थ्रेट करते हैं तो आप क्या करते हैं घूरते हैं राइट right? <laughs> तो उसमें ये चीज़ है कि आई कॉन्टैक्ट कौन, आई का मतलब है कि आप बात करते हुए क्या करेंगे कि आप दो से तीन सेकंड तक जो है वो दूसरे शख्स की आंखों में देखते हैं लेकिन इसमें जो एरिया मिलियन डॉलर की बात यह है कि इसमें गेजिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है देखें गेजिंग लेवल का मतलब ये है कि आप देख किस जगह पर रहे हैं बिल्कुल जब भी आप कॉरपोरेट सेक्टर में आप प्रोफेशनली किसी से भी मीटिंग करते हैं किसी से भी आप बातचीत करते हैं कम्यूनिकेट करते हैं तो आपका जो गेजिंग लेवल है वो फोरहेड पे होना चाहिए एक्सक्यूज मी <coughs> आपकी जो ट्राई है वो आपके जो आईब्रोज और आपका फोरहेड यहाँ पे वो ट्राई बनती है इसको हम कहते हैं बिज़नेस गेस या फॉर्मल गेस आप जब भी बिज़नेस मीटिंग्स करते हैं आप इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं आप किसी से भी निगोसिएशन कर रहे हैं तो आपने हमेशा फॉर्मल गेस या बिज़नेस गेस रखना है एक होता है आपका जो पर्सनल गेस है पर्सनल गेस में वो लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपकी इक्वेंटन्स है तो आप जब उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे तो आपका जो गेजिंग लेवल है वो आई से लेके अपर लिप तक के एरिया में होगा या लिप तक के एरिया में होगा अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कैजुअल गेटिंग yeah. जो आपके फ्रेंड सर्कल है जिन लोगों को आप जानते हैं जिनके साथ आपकी जान पहचान है एकवेंटिस mm. है और आप उनकी कंपनी में कम्फर्ट फील करते yeah. हैं राइट ये आपका पर्सनल गेज होता है, एक होता है आपका इंटीमेट गेज। इंटीमेट गेज में आप लिप्स के एरिया से नीचे नीचे देख सकते हैं आप चिन के एरिया से नीचे भी देख सकते हैं राइट वो आपकी फैमिली हो सकती है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है आप अपने सिबलिंग्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ जब आप नीगोसिएशन करते हैं बातचीत करते हैं कम्युनिकेट करते हैं तो उस वक्त आप बातचीत करते हुए आप चिन के नीचे वाले एरिया में भी देख सकते हैं आप आइस में तो देख रहे हैं लेकिन आपका गेजिंग लेवल चिन के नीचे भी जा रहा है जी अब आपने देखा है कि खातीन जब भी दूसरों से इंटरेक्शन करती हैं तो उनको नैनो सेकंड्स में अंदाज़ा हो जाता है कि ये मर्द हमें किस नज़र से देख रहा है ये ठरकी है।, है ये कैसा इंसान है इसकी इंटेंशनस के हैं चूँकि एज ए सैड यर कि जो बॉडी लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज अगर आपको समझ आती है आप बॉडी लैंग्वेज की साइंस को समझते हैं तो आप दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज से उसकी इंटेंशन उसकी इमोशनल स्टेट्स उसके फीलिंग्स का अंदाजा लगा लेते हैं इसी तरह हम इंटीमेसी लेवल से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस शख्स का दूसरे शख्स से ताल्लुक कैसा है ये कितनी कुर्बत में है फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी बीवी के साथ जब बैठते हैं तो जो इंटीमेसी है आई I मीन mean, जो स्पेस है आप दोनों के दरमियान उसका लेवल और होगा जब आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं उसका लेवल और होगा exactly. जब आप बिजनेस मीटिंग्स में बैठते हैं उसका लेवल और होगा राइट right? तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि यार आप जब भी बिजनेस मीटिंग्स करते हैं तो उसमें आपका जो गेजिंग लेवल है वो हमेशा फॉर्मल गेस हो होना चाहिए वो पर्सनल गेस ना हो वो स्पेशली इंटीमेट गेस तो कभी भी ना हो exactly. कि आप अपनी इस कम मकली की वजह से एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट खो सकते हैं आप उस कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना सकते हैं